यहाँ पे हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है और कुछ एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो, इन सब में डाइजेशन कैसे होता है। यहाँ हम देखेंगे अब अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें डाइजेशन कैसे हो रहा है। अमीबा सिंगल सेल है, ये बेसिकली पॉन्ड वाटर में फाउंड होता है। अमीबा के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनमें राउंडेड डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपना शेप और पोजिशन चेंज कर सकता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा ऐसे डिफरेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है और फूड कैप्चर में हेल्प करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, मीन्स खाते हैं। व्हेन इट सेंस द फूड, जब भी इसको लगता है कि इनके आसपास फूड है, ये पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। ये ऐसे स्यूडोपोडिया को मतलब पुश करते हैं, आउटर ग्रोथ करते हैं और फूड पार्टिकल के चारों तरफ से उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। यहाँ से द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फिर धीरे धीरे फूड जब बॉडी में अंदर आता है तो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है, जहाँ पे जो भी फूड डाइजेस्टिव जूस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो फूड वैक्यूल्स में सिक्रीट होते हैं। फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेंगे, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फिर अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। सो इस तरह इस चैप्टर में हमने पढ़ा डिफरेंट एनिमल्स का न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, अमीबा में, काउज में और ह्यूमन में। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।